हेलो एवरीवन, कैसे हम सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीएसएस बॉर्डर के बारे में। कौन कौन से हमारे पास बॉर्डर है सीएसएस में, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बॉर्डर हैं, हम इसी पे ट्राई करेंगे सारे H1 टैग पे। तो स्टाइल टैग में आना है आपने, जिसके ऊपर भी बॉर्डर लगाना हो, बेशक वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, बटन हो, कुछ भी हो सकता है। इसको आप ऐसे लिखेंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है बॉर्डर स्टाइल। किसी भी बॉर्डर को लगाने के लिए उसका स्टाइल मेंशन करना बहुत जरूरी है। हमें डॉटेड चाहिए बॉर्डर। ये देखो डॉटेड बॉर्डर लग गया हमारे पास। दूसरा है डैश्ड, ऐसे लिखेंगे हम। सब यहाँ पर ही ट्राई करते जाएंगे। ये हो गया डैश्ड। नेक्स्ट है सॉलिड। सॉलिड बेसिकली लगाते हैं हम, ये है सॉलिड। उसके बाद है डबल, डबल बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये हो गया डबल। उसके बाद आता है ग्रूव, इसको करो रिफ्रेश। ये देखो ग्रूव कुछ ऐसा होता है। इसको जानने के लिए ग्रूव जो होता है, मैं इसको थोड़ा सा यहां से करूंगी बॉर्डर विड्थ 20 पिक्सल। इसको करो रिफ्रेश। ये देखो ग्रुप कुछ ऐसा दिखता है, काफी अच्छा। इसको आप बना सकते हैं, कलरफुल भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रुप बॉर्डर। इसको हम अभी हटा देते हैं बॉर्डर विड्थ को। नेक्स्ट चलते हैं, और जहां पर हम लिखेंगे रिच, RIDGE रिच, ये होता है रिच यहाँ पर देखो। और यहाँ पर लिखेंगे इनसेट, ये भी काफी अच्छा है। इनसेट और आउटसेट दो बॉर्डर होते हैं। इसको भी हम यहाँ से ट्राई करेंगे बॉर्डर विड्थ के साथ 30 पिक्सल। एक होता है इनसेट, एक होता है आउटसेट। ये है इनसेट, ठीक है। आउटसेट अभी देखिए, यहाँ पे मैं आउटसेट लिख देती हूँ। इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ये है हमारा आउटसाइड बॉर्डर, ये भी काफी अच्छा है देखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पर लिखते हैं। अगर आपने कोई बॉर्डर नहीं लगाना, उसका स्टाइल नन कर दो, हमें कोई बॉर्डर चाहिए ही नहीं। अगर पहले से लगा हुआ है तो आप उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट है हिडन। अगर आप चाहते हैं कोई बॉर्डर नहीं लगाना, नान करो, अगर आप चाहते हैं किसी बॉर्डर को हटाना, ऑलरेडी कहीं पर बटन लगा बॉर्डर लगा हुआ है, आप उसको हाइड करना चाहते हैं, देन ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। नेक्स्ट है जहां पर, इसको हम मल्टीपल बॉर्डर बोल सकते हैं, कि आप सारे बॉर्डर भी लगा सकते हैं। कैसे, डैश्ड सॉलिड डबल। ये मैंने इतने बॉर्डर लगा दिए, अब ये चारों साइड पे लग जाएंगे। ऊपर कुछ और है, लेफ्ट साइड कुछ और है, राइट साइड कुछ और है, बॉटम में कुछ और है। ये थे हमारे बॉर्डर। नेक्स्ट इसको आप और क्या कर सकते हैं, यहां से इसको हम करेंगे इसकी विड्थ चेंज। बॉर्डर विड्थ आपने चेंज करनी है, तो बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी लिखो और इसकी विड्थ लिख दो। पिक्सल में विड्थ लिखते हैं हम। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 20 पिक्सल बहुत ही ज्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइड। इसको हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को कोई पर्टिकुलर साइड दे सकते हैं। बॉर्डर बॉटम सब कुछ हटा देते हैं, जहां पर हम लिख देंगे, ये भी हटाओ, एक ही लगाएंगे हम। डॉटेड लगाएंगे, यहां पर लिख देंगे बॉर्डर बॉटम। उससे पहले यहाँ पर देखो बॉर्डर बॉटम। और अगर आप चाहते हैं नहीं, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, और मुझे बॉर्डर बॉटम पे भी नहीं चाहिए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं राइट। और मुझे जहां पर चाहिए ग्रूव, एक पर्टिकुलर साइड पे अगर बॉर्डर चाहिए, ये देखो राइट साइड में लग गया छोटा सा। नेक्स्ट है, इसको आप राउंडेड भी बना सकते हैं। कैसे, पहले एक बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर स्टाइल हम कर देते हैं सॉलिड, और इसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस।
अगर आप रेडियस 30 पिक्सल करते हैं तो इसके जो साइड है वो थोड़े से ऐसे हो जाएंगे, ये देखो गोल हो गए साइड, इसको रेडियस बोलते हैं। आप इसको कम ही रखा करो, 10 और 20 पिक्सल। अगर कोई आपका बटन है तो आप उसको इतना सा ऐसे राउंड करके एक बटन सा क्रिएट कर सकते हैं। ये है हमारे आज के बॉर्डर्स। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।